इस बार मध्य प्रदेश का युवा ना तो बेरोजगारी देख रहा है, ना ही महंगाई देख रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का युवा भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प देख रहा है। 21 एम्स हुआ है 10 साल में, और लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, रोजगारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए 60 साल 70 साल कांग्रेस ली, पर हिंदुओं की जो आस्था थी राम मंदिर वो सिर्फ भाजपा ही लाई है, इसलिए हम भाजपा के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मोहन कुशवाहा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में, तो यहाँ के युवाओं से जानते हैं इस बार चुनाव का क्या कुछ माहौल है। तो क्या नाम भैया? कार्तिक शर्मा। तो इस बार चुनाव को देखें तो क्या माहौल लग रहा है युवाओं की? माहौल तो ऐसा है कि टक्कर ही नहीं है। तो पहली युवाओं की चाह क्या है? जैसे कि युवाओं की चाह महाराष्ट्र सिंधिया है। अच्छा जी, तो जैसे मोदी जी के बारे में जाने सोचे तो युवा क्या सोचता है उनके बारे में? एक बहुत शानदार व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, जैसे कि डबल इंजन की सरकार है। तो जो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही उसमें मात्र 1500 कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली थी, और उससे पहले 2016 में, 2018 में, 2014 में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैकेंसी निकली, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, जैसे कि युवाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। जैसे कि देखा जाता है और आरोप भी लगाते हैं कि युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं उपलब्ध करा दी, निराधार आरोप है। अच्छा। कोई सेंस नहीं है। क्या नाम भैया जी? क्या कहेंगे रोजगार? अभी मेडिकल कॉलेज हमारे गुना के लिए हो गया ना सेंक्शन। तो जैसे और भी आरोप लगाए जाते हैं कि महंगाई है, तमाम तरह की, तो इन पे क्या कहेंगे? ये तो समय के साथ चलती है, ये कोई ऐसा नहीं। पहले 2 किलो चना में जो है 1 लीटर डीजल आता था, अभी 2 किलो चना लेके पहुंचो, अभी ले आओ 1 लीटर डीजल। तो युवाओं की पहली चाह क्या होने वाली है? युवाओं की पहली चाह भाजपा। अच्छा। तो 21 एम्स हुआ है 10 साल में, और किसी भी क्षेत्र में यहाँ तो मिशन के तौर पे काम चलता है। चाहे आपके स्वच्छता के क्षेत्र में देखें आप, चाहे आप जो डिफेंस के क्षेत्र में देखें, डिफेंस के मामले में आपको पता है कि हम जो है विदेशों से हथियार आयात कर देते, वो ही हथियार अब हमारे भारत में बन रहे हैं और हम निर्यात कर रहे हैं। क्या लगता है जो मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, इस पर क्या कहेंगे? 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये 400 पार जो बोल दिया, अब तो देखो अब विधानसभा चुनाव के नतीजे देखो, जो बोला वो हुआ। पूरे देश की जनता, देशों में भी पता है और विदेशों में भी पता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी भारत में। तो गुना लोकसभा की बात करें तो सिंधिया जी क्या कुछ वोटों से मतलब जीतने वाले हैं? मध्य प्रदेश में सिंधिया जी की जीत ऐतिहासिक रहेगी। और भैया इनसे जाने, क्या नाम भैया? प्रदीप साहू। क्या लग रहा भैया इस बार चुनाव में भाजपा? अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इसलिए नहीं, 60 साल 70 साल कांग्रेस ली, पर हिंदुओं की जो आस्था थी राम मंदिर वो सिर्फ भाजपा ही लाई है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा, काम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? काम भी अच्छा है भाजपा का। क्या कुछ काम जो आपको मतलब देश में जो आज विकास है सब भाजपा का ही है? अच्छा। रोडों के गड्ढे देख लो, बिजली देख लो, हर चीज भाजपा के शासन में है। युवा भी देखो, हर चीज भाजपा के शासन में है। कांग्रेस के शासन में सिर्फ मायूसी थी और कुछ नहीं था, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस हमें पसंद ही नहीं है। अच्छा। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष दुरेटे। इस बार यही है कि भाजपा आ रही है। क्या कारण? आपकी 29 सीटों में भाजपा विकास कराती है, जितने भी काम है भाजपा की देन है। क्या कुछ काम जो आपको ज्यादा पसंद आया हो भाजपा में? मेरे लाने सबसे ज्यादा पसंद है प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी जो लाडली बहना चल रही वो चल रही है अभी, और जो इलाज का आयुष्मान कार्ड चल रहा है जी पूरे, और किसान सम्मान निधि चल रही है वो भी भाजपा दे रही है, और गांव-गांव तक रोड डर रही है, सड़कें डर रही है, वो भी भाजपा की देन है। क्योंकि पहले भी अपन गांव-गांव नहीं जा पाते थे, रास्ते में कोई दिक्कत आती समस्या या कोई एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ चल रही है, घर घर तक योजना जा रही है, भाजपा की देन है। और जो भी योजना के आधार पर ये पैसे आते हैं, नगद आते हैं, पूरे खाते में आते हैं, प्रतिनिधि के खाते में आते हैं सर। तो और भैया इनसे जानते, भैया इस बार जो मध्य प्रदेश का युवा है वो क्या देख रहा है जो इलेक्शन आने वाला है इसमें? देखिए इस बार मध्य प्रदेश का युवा ना तो बेरोजगारी देख रहा है,
ना ही महंगाई दिख रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का युवा भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प देख रहा है। बहुत बढ़िया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। जो 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, तो 400 पार लग रहा है आपको? 400 पार होंगी, 400 पार होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज आप भारत को देखो तो भारत पिछले 60 साल की अगर तुलना भारत की आज करें अपन, तो 10 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के में भारत आज भारत की तरफ सभी देशों की निगाह है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर आप देखें तो भारत की तरफ हर देश की निगाह है। भारत जो बीमारू देश कहा जाता था पिछले 60 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के में, आज 10 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तरफ पूरे विश्व की निगाहें लग गई हैं? कांग्रेस पार्टी जो लगातार आरोप लगाती है बेरोजगारी के बारे में, इस पे क्या कहेंगे? कोई मैं भी हुआ हूँ, कोई बेरोजगारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही संकल्प है कि भारत माता को, इस भारत देश को परम वैभव पर कैसे पहुंचाया जाए। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश पुनः विश्वगुरु बनने जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात को। इसीलिए और कोई विकल्प ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा। और इस बार मध्य प्रदेश में हमारी गुना लोकसभा क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय सिंधिया जी सबसे अधिक वोटों से जीतकर संसद में जाने वाले हैं, इस चीज का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और लोग इनसे क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश की जो गुना लोकसभा सीट है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? मैंने अभी आपको बताया ना कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि सिंधिया जी असुनगर गुना लोकसभा सीट से सांसद बनेंगे। और मैंने आपको बताया कि इसमें भी कोई संशय नहीं है, भारत की जनता को भी पता है और पूरे विश्व को पता है, तीसरी बार फुल प्रेस 400 पार नरेंद्र मोदी जी सरकार बन रही है। तो और युवा हैं, इनसे जानते हैं, तो आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, युवा होने के तौर पे आपसे जानने चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस चुनाव सिर्फ एक तरफा ही है। एक तरफा क्यों है कि भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्र और सनातन के लिए काम करती है सबसे पहले, क्योंकि राष्ट्र और सनातन हमारे लिए सबसे पहले, क्योंकि हिंदू होने के नाते, और वो ही भाजपा काम कर रही है। तो मेरा फर्ज है महंगाई छोड़ के, बेरोजगारी छोड़ के, तमाम विकास छोड़ के, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास होंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी के अलावा अन्य काम भी रोजगार में आते हैं, जैसे पकौड़े तलना, चाय बेचना, कपड़े की दुकान पे काम करना, इत्यादि तमाम रोजगार आते हैं, क्योंकि ये रोजगार है। तो अगर सरकारी नौकरी सबको प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, इसलिए लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, कतई बेरोजगारी नहीं है, ठीक है, और ना ही महंगाई है। महंगाई क्यों नहीं है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये महंगाई और जो जनसंख्या लगातार हम बढ़ रही है, संसाधन भी लगातार बढ़ रहे हैं, जितने संसाधन बढ़ जाएंगे उतनी खपत होगी, ठीक है, सीमित संख्या है। जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, मेरे 5 भाई हैं तो एक एक हो गई, एक एक उनके अगर पांचों भाई के 2-2 लड़के होंगे तो आधा आधा बीघा हो गई, ठीक हो, ज़मीन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो निरंतर चलेगी, बढ़ेगी। गुना लोकसभा से सिंधिया जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल है सिंधिया जी? देखो, यहाँ माहौल तो एक तरफा ही है, पूरे देश में है, यहाँ है, तो यहाँ सिंधिया जी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि कितने वोटों से जीतेंगे, पर माहौल एक तरफा है, सिंधिया जी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, भारत की प्रगति को जो पिछले 10 साल की हम देखते हैं, मैं उसमें हवा में कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल बताऊंगा। मैं एक मोटरसाइकिल टूरर हूं और देश के 14 राज्य मैंने मोटरसाइकिल से घूमे हैं, तो जब 14 राज्य में घूमता हूं तो अलग अलग राज्य में अलग अलग लोगों से मेरी चर्चा भी होती है। आप मानेंगे नहीं, पिछले साल नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम राज्य में मैं था, मैंने MH09 कोल्हापुर के आसपास की एक 2-व्हीलर देखी। मैं भी मराठी हूँ तो मराठी होने के नाते मैं उससे बात करने रुका, और जब मैंने उससे पूछा कि इतने हाईवे में सबसे अच्छा हाईवे आपको कहाँ पर मिलागी, वो तो पूरे भारत में हाईवे अब अच्छे हो गए,
लेकिन आपके मध्य प्रदेश के हाईवे सबसे अच्छे हैं। तो ये सुन के मेरे को अंदर से गौरव महसूस हुआ, क्योंकि 15 साल पहले ये मध्य प्रदेश के छात्र के रूप में दूसरे राज्यों में जब मैं पढ़ा करता था तो लोग हम पे हंसते थे कि और राज्यों में तो गड्ढों में सड़कों में गड्ढे होते हैं, मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़क को ढूंढना पड़ता है। और आज एक महाराष्ट्र का नौजवान मेरे यहाँ के सड़क की तारीफ मेरे मुँह पर कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो ये सब क्यों हो पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि आप बात करो तो नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में रिकॉर्ड सड़कें पूरे देश में बनी हैं। हम पूरे विश्व में सड़कों का सबसे बड़ा जाल कहीं पर है तो आज वो भारत में है, रेल का सबसे बड़ा जाल कहीं पर है तो वो भारत में है। तो इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियां जब भारत छू रहा है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माहौल भाजपा के पक्ष में है, है ना। तमाम तरह की जो विपक्षी पार्टी हैं वो आरोप यही ज़्यादातर उनका आरोप लगता है कि युवाओं के लिए रोज़गार जो है ना कहीं नहीं कर पाई है पार्टी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? रोजगार को बहुत ही संकुचित नज़रिए से देखने की बीमारी कुछ लोगों को इस देश के अंदर है। लोग ये समझते हैं रोजगार देने का ठेका सिर्फ सरकार का ही है। आप अगर देखेंगे तो स्वरोजगार को लेकर इतनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, मैं भी कुछ योजनाओं का लाभार्थी हूं और उस योजना के नाते आज मैं 4 लोगों को और रोजगार दे रहा हूं और साथ में खुद का भी रोजगार चला रहा हूं और आज ये करते हुए मेरे को 8 साल हैं। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा विजनरी मानता हूँ कि उनके कार्यकाल में इस तरीके की सोच रखने वाले युवा खुद अपना काम कर पा रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे पा रहे हैं। ये थी मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट के युवा, उनके मन में क्या था वो आपके समक्ष आपको बताया।